नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और सुपर टेक्निकल अशोक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने लगा हूं कि आज तक आपने YouTube पर कितने भी वीडियो पर जितने भी कमेंट किए हैं उसको एक साथ में कैसे डिलीट करें। तो अगर आपको भी दोस्तों अपने सारे कमेंट मतलब कि आपने जितने भी कमेंट किए हैं किसी दूसरे चैनल के वीडियो पर, तो उसको जो अगर आपको एक साथ में डिलीट करना है एक ही क्लिक में, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं इसमें आपको पूरी जानकारी बताने लगा हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं नए टेक्निकल वीडियो बनाते रहता हूं और घंटी का बटन भी दबा दें जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो मैं अभी आपको ट्रिक बता रहा हूँ वो 100% वर्किंग है, तो आप दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे को अपने यूट्यूब से सारे कमेंट को एक साथ में डिलीट करने के लिए हमारे को सबसे पहले मैंने बोला क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, और फिर आपको दोस्तों इधर सर्च का ऑप्शन मिलता है तो इधर हमारे को दोस्तों लिख देना है youtube.com, और फिर आपको दोस्तों सर्च कर लेना है। youtube.com आप लिख कर सर्च करेंगे तो हमारे सामने YouTube की मेन वेबसाइट है जो ओपन हो जाएगी डेस्कटॉप साइट में, और अगर आपकी डेस्कटॉप साइट में ओपन नहीं होती वेबसाइट तो आपको इधर राइट का टिक लगा देना है तो ये वेबसाइट है जो डेस्कटॉप में ओपन हो जाएगी। और फिर आपको दोस्तों इस पेज को थोड़ा सा बड़ा करना है तो इधर हमारे को दोस्तों आईडी लॉगिन करने का ऑप्शन मिलता है, तो आपको दोस्तों इधर उस आईडी से लॉगिन कर लेना है जिस आईडी के द्वारा आपको जो कमेंट डिलीट करना है, जिस आईडी से आपने कमेंट की है उसी आईडी से इधर आपको लॉगिन कर लेना है। और इधर लॉगिन कर लेने के बाद दोस्तों हमारे को इधर लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन मिलता है 3 लाइन का, तो हमारे को इस पर क्लिक करना है। तो इधर हमारे को एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, फिर हमारे को सेटिंग पर क्लिक करना है। जैसे हम दोस्तों सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो सेटिंग में क्लिक करने के बाद में हमारे को एक ऑप्शन मिल जाएगा इधर व्यू एडवांस्ड सेटिंग का, ये देख लीजिए ऊपर एक हमारा ऑप्शन मिल रहा है 3rd नंबर पर व्यू एडवांस्ड सेटिंग, तो हमारे को इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे को एक ऑप्शन मिल जाता है इधर डिलीट चैनल का, तो हमारे को दोस्तों डिलीट चैनल इस पर क्लिक कर देना है। ये चैनल डिलीट नहीं होगा, मैं आपको दोस्तों सिर्फ कमेंट को हमेशा के लिए डिलीट करने का ही तरीका बता रहा हूँ। तो अब दोस्तों हमारे को इधर जो अपना पासवर्ड डाल देना है अपने ईमेल आईडी का, तो अब दोस्तों मैंने अपना पासवर्ड इधर डाल दिया, अब मैं आगे पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा लोड लेगा और हमारे सामने दोस्तों एक ऑप्शन आएगा, 2 ऑप्शन मिलेगा हमारे सामने। तो हमारे को दोस्तों इधर एक तो ऑप्शन मिलता है कि अब मैं अपना चैनल छिपाना चाहता हूँ, और दूसरा है मैं अपनी सामग्री हमेशा के लिए हटाना चाहता हूँ। तो हमारे को दोस्तों फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो इधर हमारे को दोस्तों 3 ऑप्शन मिलता है। तो अब हमारे को दोस्तों क्या करना है कि इस पर राइट का टिक लगा देना है, और इस पर भी राइट का टिक लगा देना है, और इस पर तीनों पर हमारे को राइट का टिक लगा देना है, जिससे कि ये तो निजी हो जाएंगे वीडियो और आपके लाइक किए हुए जितने भी और चैनल के सब्सक्राइबर सब कुछ जो है प्राइवेट हो जाएंगे। और दूसरे ऑप्शन में है कि ये हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा, मतलब कि आपने जितने भी कमेंट किए हैं वो हमेशा के लिए परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे, और आपने जितने भी कमेंट पर रिप्लाई किया है वो भी आपका हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। और दूसरा और तीसरा एक ऑप्शन और है कि गूगल क्रोम पर मौजूद आपका डाटा हटाया नहीं जाएगा, मतलब कि गूगल पर अकाउंट पर जितने भी जो भी डाटा है आपका वो नहीं हटाया जाएगा। तो अब हमारे को क्या करना है कि मेरा चैनल छिपाएँ, इस पर क्लिक करना है, तो आपका चैनल जो एक बार हाइड हो जाएगा और आपका जितना भी कमेंट है वो जो है हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। तो अब मैं इधर से जो मेरी सामग्री छिपाएँ इस पर क्लिक करके इसको कन्फर्म कर देता हूँ। जैसे हम दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा, और अब हमारे सामने दोस्तों इधर एक ऑप्शन आ जाएगा, ये देख लीजिए चैनल छिपा दिया गया, मतलब कि आपका चैनल है जो हिडन हो गया, अब किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। और अब हमारे को चैनल को वापस पब्लिक करने के लिए हमारे को क्या करना होगा कि इधर वापस youtube.com की वेबसाइट को ओपन करना है, जैसे कि मैंने youtube.com की वेबसाइट को ओपन कर दिया है। और इधर आपको दोस्तों आप ध्यान रखना है कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही करना है, तभी आपका चैनल पब्लिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अब आपको दोस्तों क्या करना है कि ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, और लोड लेने के बाद में आपको इस पर क्लिक करना है चैनल के आइकन पर। जैसे आप आईडी के आइकन पर क्लिक करेंगे तो इधर हमारे को क्रिएट ए चैनल का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, आपको डरना नहीं, इस पर क्लिक कर देना है। और फिर हमारे को दोस्तों इधर एक ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्टेड का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर दोस्तों आप देख लीजिए कि एक ऑप्शन आ रहा है फन हिंदी का, मतलब ये मेरा चैनल था अभी, तो हमारे को इसी को ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है, तो इस पर आपको भूल कर भी क्लिक नहीं करना है, आपको इसी पर क्लिक करना है जो आपका चैनल था उसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये मेरा ही चैनल था पहले, अभी मैंने हिडन किया, यही चैनल है, तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया। और अब हमारे सामने दोस्तों ऐसा ऑप्शन आया है कि अपलोड ए प्रोफाइल पिक्चर, और बहुत सारे इधर जो है ऑप्शन आया है डालने के लिए, लिखने के लिए। तो अब हमारे को दोस्तों सेटअप लेटर, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा जो है होम पेज ओपन हो जाएगा यूट्यूब वेबसाइट का, ये देख लीजिए होम पेज ओपन हो चुका है, और इधर अपलोड वीडियो का ऑप्शन मिल रहा है। तो अब हमारे को दोस्तों क्या करना है कि इधर वीडियोज़ पर क्लिक करना है। वीडियोज़ पर क्लिक करके आपको दोस्तों जैसे आप वीडियो पर क्लिक करेंगे तो इधर हमारे वीडियो आ जाएंगे जितने भी आपने वीडियो अपलोड किए हैं, मैंने इस पर 2 ही वीडियो अपलोड किए हैं। तो ये अभी दोस्तों आप देख लीजिए कि हमने अभी जो इस चैनल को हाइड किया था इसलिए प्राइवेट हो सके वीडियो, ये भी वीडियो प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है। तो सभी को एक साथ में पब्लिक करने के लिए हमारे को कस्टमाइज चैनल, इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर हमारे को वीडियो मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है।
इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सारे के सारे वीडियो जो एक लिस्ट में आ जाएंगे। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ, वीडियो जो प्राइवेट है और लिस्ट में आ चुके वीडियो। अब हमारे को क्या करना है कि सभी वीडियो को एक साथ में सेलेक्ट कर देना है, जैसे कि मैंने अभी सेलेक्ट कर दिया है, और हमारे को एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे को जो है इधर विजिबिलिटी, इस पर क्लिक करना है। विजिबिलिटी पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इधर हमारे को पब्लिक का ऑप्शन मिल रहा है, हमारे को इस पर क्लिक करना है और एक बार वापस इसको सेलेक्ट कर देना है। और फिर आपको दोस्तों इधर राइट साइड में ऑप्शन मिल रहा है अपडेट वीडियोस, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो फिर आपको अपडेट वीडियो इस पर क्लिक करना है, आपको एक बार अंडरस्टैंड पर क्लिक करना है, राइट का टिक लगा देना है, और फिर आपको अपडेट वीडियो इस पर वापस से आपको कन्फर्म कर देना है। जैसे आप वापस से कन्फर्म करेंगे तो आपका जो है वीडियो जो अपडेटिंग होना शुरू हो जाएगा। ये देख लीजिए लोडिंग हो रहा है, ये दोनों वीडियो पब्लिक हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। और वीडियो पब्लिक होने से दोस्तों आपका चैनल जो हिडन किया हुआ होता है वो जो पब्लिक हो जाता है। तो अब दोस्तों आपको जानकारी पूरी समझ में आ गई होगी कि अपने सारे कमेंट को यूट्यूब से कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।